नमस्ते, मेरे चैनल एसडी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी ग्रीन मैंगो सॉस। इसके लिए मैंने लिया है 5 कच्चे आम, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सौंफ जिसको मैंने बारीक कूट लिया है, काला नमक और इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी, गुड़। गुड़ को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। घी की जगह पे आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले हम आम को धो के छील लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के कुकर में 1 कप पानी डाल के इसको एक विसिल आने तक पकाएंगे। आम को मैंने एक विसिल आने तक कुकर में उबाल लिया है। आम हमारे अच्छी तरीके से उबल गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, जरूरत पड़ने पे हम चटनी में डालेंगे। इस आम को हम ठंडा करके मिक्सी में ब्लेंड करेंगे बिल्कुल बारीक। अब हम यहाँ एक पैन गरम कर रहे हैं, इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। ये बारीक कुटा हुआ सौंफ डाल देंगे। थोड़ा से बस इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने आम को मिक्सी में ब्लेंड कर दिया था बिल्कुल बारीक, इसको डाल देते हैं। दो मिनट तक इसको भूनेंगे। इसमें हम लाल मिर्च डाल देते हैं। दो मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें नमक डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। और ये आम का जो पानी था उसको थोड़ा सा डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसको गुड़ गलने तक पकाएंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। थोड़ी देर पकाएंगे अच्छी तरीके से चला चला के। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और मिला के गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद
मैंने सॉस को एक बाउल में निकाल लिया है। इसकी गार्निशिंग मैंने मखाने से की है। ये बहुत ही अच्छी सॉस बनती है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख के 1 महीने से भी ज़्यादा दिन तक खा सकते हैं। इसको आप पूड़ी, पराठे, रोटी या ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप भी बनाइए और खाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।